لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. ये अपनी तरफ से बातें. हदीस शरीफ में इजात अलात शम्स वकाम, बस सूर्य निकलते ही खड़े हो सकते. ये बेखबर लोग हैं, कहीं 7 मिनट है, कहीं 12 मिनट है, कहीं 20 मिनट है, कहीं आधा घंटा है. ये वो ऊंट है जिसके कुछ कुंदन मालूम नहीं है. असल फिका और हदीस हर जगह नहीं है. अगर उलमा का इलम एक जैसे होता तो फिर फसाद दुनिया में होता ही नहीं. आपने अच्छा किया और जिसने रोका है वो समझदार नहीं है. खैर, ऐसी जगहों में अगर चंद मिनट बात पढ़ ले तो कोई हर्ज तो नहीं. क्या फ्लैटों के नीचे जहाँ मस्ती में जुम्मा हो सकता है, जी हो सकता है. मोती साहब, अल्लाह ताला ने लिखा है तो गुनाह का नसीब भी तो लिखा है. हाँ लिखा है. तुम काहे को क्या चाहते, क्या हो जहन्नम जाना चाहते हो क्या? अगर हम किसी शराबी मतलब गुनाहगार वाले बंदे से दोस्ती लगाए कि मैं उसको दीन पर लाऊंगा तो आपको सवाब मिलेगा, बशर्ते कि आप दीन पर लाने की कोशिश करें. ऐसा ना हो कि आप शराब पीने तैयार हो जाए. आपने 2 जुमे पहले बयान फरमाया कि धरना यह आज़ादी मार्च से 2 दिन पहले मेरा फतवा आएगा. वो आ चुका है मेरा फतवा, सारे जहान में घूम गया. वो मौलाना ने उसका शुक्रिया भी अदा किया और वफ़द भी भेजा है. ज़ाती घर के उसूल के लिए कोई वजीफ़ा इस्तग़फ़ार की कसरत, शाम के औकात में ख़वातीन खाना का सूरह वाक़िया पढ़ना. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا.